बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी दूसरी वीडियो है पेपर पैटर्न पे। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उर्दू की पेपर प्रेजेंट करनी है और कैसे लाइन मारनी है, इसी तरह मार्कर को कैसे यूज़ करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और आपको इसके साथ साथ हम वो गलतियाँ भी हम आपको पॉइंट आउट करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो गलतियाँ करते हैं और इसी मिस्टेक्स की वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं बोर्ड की एग्ज़ाम में। ये पेपर जी जो स्टूडेंट्स ड्रॉ कर रहा है, तो इस स्टूडेंट के और इसके और जो फ्रेंड्स हैं इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तकरीबन इन दो तीन स्टूडेंट है इसने तो बिल्कुल 510, 514, 520 कुछ इस तरह के मार्क्स इसने लिए हैं। तो इन स्टूडेंट से मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि कुछ पेपर तैयार कीजिए ताकि और स्टूडेंट को भी इससे फ़ायदा मिल जाए। तो ये स्टूडेंट जो है ये उर्दू की पैटर्न ड्रा कर रही है, इसने पेज नंबर लिख लिया और इसके साथ साथ मार्जिन लाइन्स जो होते हैं उनको भी उसने ड्रॉ किए दोनों साइड पर। और इस तरह उर्दू के पेपर में या इस्लामियात के पेपर में उसमें हिस्से होते हैं, हिस्सा बे, हिस्सा जीम और हिस्सा दाल, इस तरह के कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज जो है वो होते हैं। तो इसने हिस्सा बी लिखा, इसके बाद सवाल नंबर दो और इसके बाद जुज़ मैं देखता हूँ कि कौन सा जुज़ लिखता है। अच्छा, तो इसने जुज़ लिख लिया जुज़ नंबर वन और इसका जवाब। तो आप देख सकते हैं कि इस किस तरह इस हेडिंग को लिखते हैं, किस तरह इस हेडिंग्स के नीचे जो लाइंस हैं उस लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। और हेडिंग के लिए अलहदा एक मार्कर यूज़ करता है जो है ब्लू है, और हेडिंग्स के नीचे जो लाइंस होते हैं अंडरलाइन करते हैं इनको ब्लैक के साथ करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि आप कोशिश करके कलर कम्बिनेशन को मेनटेन रखें, मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल मत किया करें, इससे आपकी पेपर का जो लुक होता है वो ख़राब होता है और एग्ज़ामिनर या चेकर जो होता है उनको भी चेकिंग में तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो कभी देखते हैं आप ब्लू के साथ हेडिंग करते हो, कभी आप ब्लैक के साथ हेडिंग देते हो, तो फिर उसमें मसले आते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसने लिखा तकरीबन ये इस्लामियात की पेपर की पैटर्न ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसने लिखा तर्जुमा और इस्लामियात में इसी तरह के जवाब होते हैं, हदीस होते हैं, आयात होते हैं और इनकी तर्जुमा करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप गौर से देखें और आप भी कोशिश करें कि आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और इसके साथ साथ आपकी राइटिंग की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको भी बेहतर करनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ राइटिंग को तेज़ करें और इसके साथ साथ आपकी राइटिंग की जो क्वालिटी जो मयार होती है आप उनको कमज़ोर करें, तो फिर इससे आपके मार्क्स अच्छे नहीं होते। क्योंकि एक चीज़ को जब हम याद करते हैं तो याद करने के साथ साथ इनको प्रेजेंट करना भी होता है कि आप कैसे अपने सवाल जवाब और जो मटेरियल जो चीज़ें आपने याद किए होते हैं तो आप कैसे दुनिया को या एग्ज़ामिनर को या टीचर को या अपने क्लास में आप ये कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं तो इसने कितने खूबसूरत तरीके से हर एक अल्फाज को अपना अपना हक दे दिया, मतलब वो अल्फाज से वो चूरी नहीं करते। ज़्यादातर स्टूडेंट है वगैरह हो जान लो, आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मफहूम है तर्जुमा, तो इनसे मतलब चोरी करते हैं, वो इन अल्फाज को जो हक मिलना चाहिए वो हक वो नहीं देते, तो इसी तरह इनके मार्क्स कम आते हैं। तो अब भी कोशिश करें कि इनके अल्फाज आप गौर से देखें और ट्राई करें और बार बार ट्राई करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है पेपर पैटर्न में। और इसी तरह आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो या असाइनमेंट लिखते हो तो कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे पेपर बना लें। अच्छा, तो इसने लिखा तर्जुमा और खूब जान लो कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद सब आजमाइश है और बेशक अल्लाह ताला के पास अजर है। अच्छा, अजर अजीम है। मफहूम फितन आजमाइश को कहते हैं, इसका लगवी मानी है कि सुनने की। अच्छा, ये कैमरा थोड़ा सा हट गया।
लघवी मानी है कि सोने को आग में डालकर कंदल बनाया जाए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, कोशिश करें। इसके बाद मैं और भी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं और पहली मरतबर पर हमारी वीडियो देखते हैं, तो इनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बिल की नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, तो ये स्टूडेंट अब कंटिन्यूसली क्या करता है, वो राइटिंग कर रहा है। उस वीडियो को मैंने थोड़ा थोड़ा आगे भी किया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैंने इसके थोड़े से क्लिप्स जो है वो मैंने स्किप कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो तंग होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, थोड़ा सा फॉरवर्ड किया वीडियो को। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा और आपको अच्छे से अच्छे पैटर्न दिखाऊँगा। और ये स्टूडेंट जो हमारे पास है, इस सारे के सारे क्लास ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं, और इसके बाद भी मैं और वीडियोस भी पेपर पैटर्न पर भी अपलोड करता रहूँगा। और इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल जो है रूहुल्ला जान ऑफिशियल, तो इसमें मेरा असल में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा मकसद है, वो 9th और 10th क्लास बायोलॉजी और 9th और 10th क्लास केमिस्ट्री, इनकी वीडियोस जो है वो मैं सारे के सारा जो कोर्स जो है उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं अपलोड करूँगा। अभी तो तकरीबन दो चैप्टर 9th में हुए हैं, दो चैप्टर 10th में हुए हैं, और इसके बाद वो लेक्चर तो बहर हाल पुश्तो में है, लेकिन इसके बाद जितनी वीडियोज़ भी मेरे आएँगे इंशाल्लाह वो मैं उर्दू में करूँगा। तो क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर आप ये लेक्चर जो आप करते हो या अपलोड करते हो इनको उर्दू में किया करें, क्योंकि हमें पुश्तो नहीं आती, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह के वीडियोस और लेक्चर अपलोड करूँ। अच्छा, अब इसने ये एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, इस क्वेश्चन को इसने छोटे लाइन के साथ ख़त्म कर दिया। अब इस लाइन्स के सामने और आगे दोनों साइड पे स्टार एक स्टार बना दिए, तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर, लाइन्स, हेडिंग, क्वेश्चन को ख़त्म करना और इसके क्वेश्चन के दरमियान में ब्लैक पॉइंटर के कैसे इस्तेमाल किया। अब इसके बाद दूसरी पेज है, दूसरी पेज पर भी ये मार्जिन लाइन्स ड्रा करते हैं दोनों साइड पर। असल में बूट की पेपर में पहले से लाइंस मौजूद होते हैं, तो उस लाइन को आपने क्या करना है, शेड करना है, उस लाइन को आपको मार्क करना है, इसको मतलब हाइड करना है अपने मार्कर के साथ। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि आप ब्लैक मार्कर की बजाय ब्लू मार्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ब्लू मार्कर जो होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये अब दूसरी जुज़ लिखता है, जुज नंबर हम देखते हैं कि कौन सा जुज ये लिखने जा रहा है। अच्छा, तो ये जुज नंबर 2 हो गया। अच्छा, तो इसका ये जवाब लिखेगा। हमने तो सारी जवाबें नहीं लिखी, हमने तो एक दो पेजेस पे पैटर्न प्रेजेंट किया, और क्योंकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि पेपर में हम ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, आपकी कलर कम्बिनेशन जो होती है इसमें मिस्टेक आप करते हैं, जिसको आप बहुत बड़ा लिखते हैं या बहुत छोटे लिखते हैं, या जवाब को या सवाल को या पेज नंबर को। पेज नंबर तो ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में अपने ही होते हैं, पहले से लिखा होते हैं, लेकिन जब आप नई शीट लेते हो तो नई शीट पे अक्सर तौर पर वो नंबर्स नहीं होते हो। फिर उस नंबर्स को आपको क्या करना है, मेंशन करना है अपना। अच्छा, तो अब इसने पितने औलाद दे दिया है एक हेडिंग, तो इस हेडिंग को भी अंडरलाइन कर रहा है। अगर आपके स्पीड कम हो राइटिंग की तो फिर आप इसी तरह के अंडरलाइन मत किया करें और डायरेक्टली अपने जवाब लिखते रहे। अगर आखिर में आपको टाइम मिल जाए तो फिर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन करेगा, हम देखते हैं कि कहाँ तक ये लिखता है, क्योंकि हमारी वीडियो भी बस ख़त्म होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट थक गए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो मच।